मैं आरती राणा प्रधान समर्थन सोशल वेलफेयर सोसाइटी की हूँ और मैं यहाँ नया गांव में हूँ। आज हम लोग कैंडल मार्च कर रहे हैं हाथरस की जो हमारी बेटी है मनीषा उसके ऊपर जो अत्याचार हुआ है उसके विरोध में कर रहे हैं और अभी तक सरकार ने कोई भी फैसला नहीं लिया। मैं पहले भी कई जगह ये कर चुकी हूँ कैंडल मार्च, वहाँ भी मैंने यही कहा था कि इतनी देर सरकार लगा देती है इन अत्याचारियों को सज़ा देने के लिए कि तब तक हमारी बेटियाँ दोबारा जन्म भी ले चुकी होती हैं। हमारी बेटियाँ कहीं सेफ नहीं हैं आजकल। सरकार को सख्त से सख्त कानून बनाने चाहिए इनके लिए, सो देट ये जो अत्याचारी हैं बलात्कारी हैं इनको जब तक फांसी की सज़ा नहीं देंगे तब तक लोगों के लिए ये चीज़ एक आम बात ही इन लोगों को महसूस होगी। आप निर्भया केस का ही देख लीजिए, निर्भया केस का पूरा एक साल लग गया, उसके बाद कहीं जाकर अत्याचारियों को बलात्कारियों को फांसी की सज़ा सुनाई गई। तब तक तो मेरे ख्याल से उस बेटी ने कहीं जन्म लेके शादी भी कर ली होगी। मैं यही कहना चाहती हूँ कि कानून इतने सख्त बनाए जाएं ऐसे लोगों के लिए, देयर एंड देन दे शुड बी हैंग टू डेथ। मनीषा के मामले में क्या आपको लगता है कि वो दलित करके इसलिए उसको इंसाफ नहीं मिल रहा है या कोई और कारण है? नहीं, दलित करके तो है ही है, दलित करके भी मैं कह सकती हूँ, लेकिन सरकार इतना डिले कर देती है केसेस कि इतने जब पकड़े भी जा चुके हैं लोग तो इतना क्या सीबीआई इतना टाइम क्यों ले रही है? सब चीज़ें क्लियर हैं, लड़की की रीढ़ की हड्डी, बलात्कार हुआ, रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई, जुबान काट दी गई, उसके बावजूद लड़की और वो बलात्कारी भी पकड़े गए हैं, फिर क्या चीज़ और क्या प्रूफ मांगती है सरकार? आप क्या मैसेज देना चाहोगे इस तरह की जो आज की लड़कियां हैं उनको, किस तरह संदेश देना चाहोगे? मैं आज की लड़कियों को सिर्फ यही एक मैसेज देना चाहती हूँ कि डरना नहीं है। अगर आपको कोई हाथ डालता है पहले तो अपनी आत्म सुरक्षा की पूरी जिम्मेवारी उनके पेरेंट्स की होनी चाहिए, उनको ऐसी शिक्षा दें, शिक्षा प्रणाली में ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस की जाएँ जैसे कराटे है सेल्फ डिफेंस के लिए, तो उनको सेल्फ डिफेंस आना चाहिए ताकि उनको कोई हाथ लगाए तो उसे दूर मार के भगाएं वो लड़कियां। अपने आप को इतना सशक्त बना दें, नारी जाति जो एक पुरुष को जन्म दे सकती है तो क्या वो सशक्त नहीं हो सकती? अपने आप को इतना सशक्त बना दें कि आपको कोई हाथ डालने से पहले 10 बार सोचे। मैम सेल्फ डिफेंस की बात कर रहे हो, आज के टाइम में कराटे वगैरह सीखना एक सबके बस की बात नहीं है, इतना महंगा है कि हर बच्चे नहीं अफोर्ड कर सकते, इसलिए आप क्या कर रहे हो? मैं नया गांव में, जहां मैं नया गांव में आई हूं वहां मैं आज ये अनाउंस करती हूं कि मैं उन बच्चियों को जो अफोर्ड नहीं कर सकती, जो जिनके पेरेंट्स हाई फाई हैं अफोर्ड कर सकते हैं वो कहीं से भी सिखा सकते हैं, पर कुछ हमारी बच्चियां जैसे आप दलित विंग की बात कर रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते, पेरेंट्स नहीं दे सकते उनको, तो उनको हम निःशुल्क कराटे की शिक्षा देंगे यहाँ पर और ओपन है, जो भी हमें आके अपना सर्टिफिकेट दिखाएंगे जो भी आपके BPL लोग हैं तो हम उनको निशुल्क कराटे की शिक्षा दें। मैं सबसे पहले तो कमल धामी हूँ, समाज सेविक के नाम से मैं जाना जाता हूँ नया गांव में। जो हमारे आज यहाँ पे समर्थन संस्था है उसके ऑफिस का उद्घाटन भी हुआ है एक तरह से, और जो आज इन्होंने पहला प्रोग्राम मैडम आरती जी ने जो प्रधान हैं समर्थन की, उन्होंने कैंडल मार्च निकालने का पहले फैसला किया, जो कि एक लोगों के अंदर जागरूकता लाने के लिए भी है। और जो वो लड़की हथरस केस में मनीषा के साथ जो बर्बरता की गई है उसको देखते हुए उसकी आत्मा की शांति के लिए ये कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। मैं सभी लोगों से, चाहे वो किसी भी वर्ग के लोग हों, मेरा उन सब परिवारों से एक अनुरोध है कि जिनके घर में भी बच्चियां हैं वो अपनी बच्चियों को सेल्फ डिफेंस सिखाएं, ताकि वो ऐसे गंदे और घिनौने जो समाज के लोग हैं उनके साथ मुकाबला कर सकें। मैं मानता हूं कि मर्दों के मुकाबले थोड़ी औरत कमज़ोर होती है, लेकिन इस कमज़ोरी को अपना निशाना मत हो बनाओ, अब लोगों के साथ पूरा खड़े हम खड़े हैं आप लोगों के साथ, और जैसे भी हो सकता है आप अपना बचाव करो, और अगर आपके साथ कोई ऐसा दरिंदा करता है कोई वारदात करता है तो सबसे पहले मैं सरकार से कहना चाहता हूं जो केंद्र में बैठी है वो ऐसे कानून लाए जिसमें ये इतना लंबा समय 3-3 महीने 6-6 महीने साल साल 2-2 साल ना लगे, 1 महीने के अंदर बलात्कारी को सजाए मौत दी जाए।
जब तक सरकार ये कानून सख्ती से लागू नहीं करती तब तक बच्चियां जो हैं वो इसी तरह से बलात्कार का शिकार होती रहेंगी। और मेरी सरकार से बार बार बेनती है, अनुरोध है कि वो जो भी सख्त से सख्त कानून ऐसा बनाए, अगर एक बार वो पकड़े जाते हैं तो एक महीने के अंदर अंदर उनको फांसी की सज़ा दी जानी गया है। उसके अंदर कहीं भी ये शास्त्र के अंदर नहीं लिखा हुआ कि किसी का रात को आधी रात को आप संस्कार करोगे। ये इस चीज़ को दर्शाता है कि जो सरकार ने किया वो सरकार की पूरी नॉलेज में था और सरकार इसके लिए पूरी जिम्मेवार है। और भारतीय जनता पार्टी जो बड़े बड़े वादे करके सत्ता में आई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज पूरे हरियाणा के अंदर और यूपी के अंदर ये सारी चीज़ें हरकतें हो रही हैं।